नुआपड़ा जिला के बादी गांव में सुजाता नियाल नाम एक विधवा को विधवा हुए एक साल हो जाने पर भी उन्हें अभी तक के कुछ भी सरकारी सहायता नहीं मिल सका है। घरे कितने जन रह सो? छह जन। के रह सो? मर ससुर मुई मर दियो तीनटा आरु पुओ गुटी। पुजी मैंने कितने तू पढ़ा पढ़ी कर सो? गुटे मैट्रिक पढ़ुचे गुटे नौ पढ़ु ई गुटे नौ पढ़ुचे गुटे सात और गुटे चार। भारत सरकार की नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत हर विधवा को एक दफ़ा 20,000 रुपया का कंपनसेशन तथा हर महीने 300 रुपया का पेंशन देने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ के सुजाता नियाल समेत और तीन विधवाओं को अभी तक के कुछ भी सहायता नहीं मिल सका है। तुम कंता के चल सो? मिल ला दिन भूति बानी जैसू नहीं मिल ला दिन घरे न बसी थी सुन। घर चलवा लगे यार दूसरा किसी साधन आओ नहीं ना? किसी नहीं ना गया। आई कंता करू थी लो? अगली मुनुस थी लाजे भरसा करी चलू थी नू एवे बिना भरसा है ना। सरकारी कारण सहज सहज किसी पाए लो? किसी नहीं पाएगा। दरखास्त करो? दरखास्त करा ही छे भी सुन बार नहीं से दरखास्त दलाता। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इस वीडियो के माध्यम से मैं यह दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि हमारी विधवाओं को किस तरह से अपनी पहचान के लिए समाज में ना सिर्फ संघर्ष करना पड़ता है बल्कि सरकारी सुविधाओं का भी लाभ उठाने के लिए उनको खासा जूझना पड़ता है। खेत खोला के दे अच्छे? नहीं आगे सरकार सिलिम दी छंती के एक एकड़ 30 डिसमिल तक चार बात सोचे से ना क्या है बोल ले भी खूब फसल नहीं हुए और दब होता है। इस वीडियो देख रहे सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि आप बादी के सरपंच श्रीमती दीप्तिमयी साहू को उनके मोबाइल नंबर 9937350457 पर फ़ोन कर दबाव डालें ताकि सुजाता नियाल समेत यहां की और जो विधवाएं हैं उनको जल्द से जल्द नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम में शामिल किया जा सके और उनको जल्द से जल्द विडो पेंशन मिल सके। मैं अभिषेक कुमार दास गांव बादी जिला नुआपड़ा उड़ीसा से इंडिया अनहर्ड के लिए।